ये देखो बाटी का आटा हो गया है और अभी बिहार में शायद इसको लिट्टी चोखा बोलते हैं। लो गाइस आज दूसरे दिन से शुरुआत हो रही है। ये तो वहीं पे उतर गए भैया जी। हेलो गाइस, सुप्रभात सभी को। आज की शुरुआत हो रही है यहाँ घर से। 2 दिन तक मैंने वीडियो नहीं डाला यार, क्योंकि मजे नहीं आए मेरे को वीडियो में। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर और आपको माहौल दिखाऊंगा। सुबह सुबह मेरे घर पर दाल बाटी बन रही है तो मैं वो भी खाऊंगा। मम्मी ऊपर गई है ठंड में तो मैं भी जाऊंगा। और अभी सुबह की बज रही है 8:30, 8 बज गए, 8:30 बज गए, 8:24 हो रहे हैं। तो मैं जाता हूँ सुबह ऊपर और आपको दिखाता हूँ क्या माहौल है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना यार, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो चलते हैं। ये देखो बाटी का आटा हो गया है और अभी हम ऊपर जाते हैं और आपको दिखाएंगे भैया। ऊपर में धूप निकल गई मेरे हिसाब से। ये सुबह सुबह का माहौल। भैया धूप तो निकल गई लेकिन ओस है शायद अभी भी। धूप की वजह से ओस खत्म हो जाती है। यहाँ पर पहले वीडियो में आपने देखा होगा तो यहाँ पर ओस दिखाई थी मैंने पहले वीडियो में। इस जगह पर ओस थी लेकिन अब नहीं है। ये देखो मिट्ठू उड़ के जा रहा है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है एक ये वाला। ओ भैया ये रात कल हमने पटकी थी और आज फिर पटकनी है। जय श्री राम भगवान हरि भैया। और हमारी मम्मी लग गई है बाटी का जगरा लगाने में। आज दाल बाटी बनेगी ज्यादा है नहीं। हाँ भैया आज दाल बाटी खाएंगे। और देख लो हमारा भगवा झंडा लहरा रहा है जो कि हमने घर के ऊपर लगा रखा है। ठंड तो अभी भी है यार। एलो बेरा वेरा ना कि बेरा। भैया जी स्वच्छ भारत का इरादा आ रहा है। यही थी क्या? कहीं यही तो ढूंढ रही थी। कहाँ आई थी बिल्ली? ये दो रोटी, रोटियाँ रखी थी मैंने जिनमें से एक रोटी वो मैं छीड़ा हूँ। अच्छा ले गया, मतलब बिल्ली आ गई थी सर। राधा है बचा कर आखनी बिल्ली आई हो तो। कई लगाना लगा देंगे, यहाँ चादर भी लगा देंगे भैया, क्या बगाड़ा उसमें। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना और लाइक करके जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो। एक तो सब्सक्राइब भी मत करो लेकिन पूरा वीडियो देख कर जाओ, क्योंकि वॉच टाइम कंप्लीट होने में सहायता चाहिए। अब सहायता बस वॉच टाइम ही रह गया है, बस वो ही कंप्लीट करना है यार। बाटी का जगरा लग रहा है बाकी फिलहाल तो। बाकी हम अगर जो मैच खेलने भी जाएंगे तो आपको बताएंगे। कल तो मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट की बॉल पे छक्के लगे थे 3 पे और बाकी कुछ भी नहीं निकला सार, मज़ा नहीं आया। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरे को अभी वीडियो डालना है जो कि एक इंस्टा आईडी बनाई थी मैंने नई जो कि वो चल रही है, तो उस पर वीडियो डालना है तो डाल देता हूँ। फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी बहुत देर में, 15-20 मिनट में यार, ठीक है। लो भैया बाटी तो रख गई अंगार पे, थोड़ी बहुत देर में हो जाएगी क्लियर, तभी ऐसा कहेगी। ये भैया बाटी सीख रही है, सीख कर तैयार हो जाएगी है नहीं है। हाँ बाटी बन रही है, फिर बाटी बना के फिर चोपड़ेंगे फिर खाएंगे खाना। भैया इसमें बिहार में शायद इसको लिट्टी बोलते हैं, मैं वीडियो देखा था उसमें बोल रहे थे कि लिट्टी, इसलिए मेरे को पता है लिट्टी बोलते हैं इसको।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। धर्म से हिंदू राष्ट्र मिला। तो गाइस नीचे चलते हैं, ये देखो मजा लूटा जा रहा है यहाँ पर, तो मजा लूट रही है राधा। बेटा पत्ता ही खा, वो मल रहे हो तो है पत्ता ही खा रही तू, कांधे के पत्ते ही मल रहे बस। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल। पा चुके हैं और अब हम खाएंगे दाल बाटी, दाल बाटी खाएंगे, दाल बाटी खाएंगे, दाल बाटी खाएंगे। देसी तरीके से दाल बाटी खाएंगे हम, दाल बाटी। बिहार में शायद इसको लिट्टी चोखा बोलते हैं, शायद मुझे इतना पता नहीं है। तो गाइस चलो खाते हैं देसी तरीके से और आपको दिखाते हैं कैसा बना दाल बाटी हमारा। वाह क्या मजा आया। तो गाइस आपको मिलता है खाने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट। तो गाइस हमारा खाना हो चुका है, हमने पूरी प्लेट साफ कर दी और अब इसको रख देते हैं। मम्मी ऊपर है, आओ। मम्मी ऊपर थी, मैं जाना अंदर। चलो तो आपको लेके चलते हैं रोड की तरफ। मम्मी मु रोड पे जा रही बड़ा स्कूल, आ जाओ बस थोड़ी बहुत देर में हो। चलो गाइस लेके चलते हैं। गाइस मैं कितना भुलक्कड़ हूँ, कंघी करना तो भूल ही गया, ऐसे ही उठ के चल रहा था भैया ऐसे ही। चलो कंघी कर लेता हूँ फिर। तो गाइस हम कंघी करना भूल गए थे, अब करी है और अब जा रहे हैं बड़े स्कूल की ओर। तो आपको भी दिखाते हैं क्या माहौल है अभी यहाँ का। रोड क्रॉस कर लेते हैं भैया, देख के नहीं तो पता चलेगा ठोक दिया। चलो आपको मिलते हैं बड़े स्कूल में अंदर। तो गाइस यहाँ पे मैच चलने वाला है, कोई कटारा खेड़ी वर्सेस छापेड़ा का है, तो देखते हैं कौन जीतता है। थोड़ी बहुत देर में स्टार्ट होएगा तब, ठीक है। हल्का है क्या रे, ये जूता लगी कोई लगे इसके जूते बड़ा नहीं वीडियो बना ऐसा ही हरदास को वीडियो बनाने दे रे चेहरा। हां शॉट है ये 250 बोल रही है। गलत चेहरा में अपना हार है के लिए चढ़िए दी रही यार पहली पारी ने बनाया 73 रन 6 ओवरों में। अब देखते हैं कि छापेड़ा कैसे फॉर्म में लगती है और कितने रन बनाती है, देखते हैं भैया कैसे गेंदबाजी करती है, देखते हैं। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होगा सेकंड पारी का। आप
गाइस हम उसके बाद आए हैं शिवालय पे। मैं वीडियो बनाना भूल गया था और ये यहाँ कुआ और यहाँ पर इस चिड़ाव के ऊपर गेंद पड़ी हुई है जो कि वो लेकर आएंगे। मैं वीडियो बनाना भूल गया था यार, अब शाम पड़ गई है तो हम यहाँ पर आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। मैं मंडे में भी खेल रहा था लेकिन यहाँ भी आ गया। भैया खेलते रहो, ये कुआ बहुत गहरा ही है फिलहाल। हेलो, इसमें आवाज़ ही नहीं गूंज रही। तो ये देख लो शिवालय का मंदिर जो कि भोलेनाथ का मंदिर है, जो कि छापड़ा वाले सभी को याद ही होगा कि एक काय का मंदिर है। ये स्कूल है जय हिंद और ये भी स्कूल है रविंद्र। नहीं आ गई, फेंको लपक के, वो गेंद गई। तो गेंद तो निकाल ली है, बाकी अब खेलेंगे थोड़ी बहुत देर में। अरे यार ये ब्लैक ब्लैक आता है जाने के से, ये आ गया। जो कि गेंद तो यहाँ आकर पड़ी हुई है शिवालय मंदिर। ये गेंद हमने उठा लिया, बहुत गीली हो रही है, गीली गीली क्योंकि सिड़ाव पर रखी हुई थी तो गीली हो गई। अब इतनी सी बड़ी तो बाउंड्री है वहाँ से यहाँ तक। आ जाओ भैया थोड़ी देर कैच कैच खेल लेते हैं। और फिर खेलेंगे मैच थोड़ी देर कैच कैच खेलने के बाद। चलो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम मैच खेल के आ गए हैं, अब वहाँ भी आरती का टाइम हो गया है तो अब हम घर की ओर जा रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में बता देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वॉच टाइम पूरा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो गाइस, आज दूसरे दिन से शुरुआत हो रही है और आज हम ग्राउंड से शुरुआत कर रहे हैं। बाकी आज हमारे नाना जी आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा ग्राउंड में आ गए थे सुबह सुबह। नाना जी आ रहे हैं तो उनको लेने के लिए थोड़ी बहुत देर में उनकी बस आती होगी और हम पहुंच जाएंगे उनको लेने के लिए। दूसरे दिन की शुरुआत, तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। चलो तो मिलते हैं आपको थोड़ी बहुत देर में बस आने के बाद। आ चुके हैं क्योंकि मेरे नाना जी आ गए हैं मोहन, यानी कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे नाना जी आ गए हैं। तो हम रोड पर आ गए हैं, थोड़ी बहुत देर में उनकी बस आने वाली है तो हम वेट करेंगे उनका आने का और देखते हैं कि कितनी देर में बस आती है। उन्होंने 5 किलोमीटर यानी मोहन की बोला है तो मतलब 10-15 मिनट में बस आती होगी, 10 मिनट के समथिंग आ जाएगी। ठीक है तो मिलते हैं आपको बस आने के बाद। ठीक है तो गाइस नाना जी बस आने वाले हैं और आप देखो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, बंदर। बंदर बैठा हुआ है भैया, बंदर। कितनी दूर है वो और बस नाना जी की बस भी थोड़ी बहुत देर में आती होगी, तब तक आप इसे देखो। फ़ोन की जितनी जूमिंग है उतनी पे तो यही बैठा हुआ है दादू, लेकिन दिख रहा है। और नाना जी की बस ने बहुत देर लगा दी यार, 5 मिनट के या फिर 10 मिनट के समथिंग में आ जाना चाहिए था बस को, लेकिन बहुत देरी कर दी, बहुत देरी कर दी बस ने। चलो थोड़ा बहुत और इंतज़ार करते हैं। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे को वीडियो बनाने में अब मज़ा नहीं आया तो मैंने नहीं बनाया आगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मज़ा नहीं आया तो नहीं बनाया, शेयर कर दो वॉच टाइम पूरा करवा दो यार। बहुत जल्दी आपको एक कुछ कैसे कुछ खबरें मिलेगी तो उसी को जानने के लिए लाइक कर दो।
तो गाइस नाना जी की बस भी आ गई है और बस थोड़ी देर में नाना जी भी आने वाले हैं। बस में से उतरेंगे तो आपको दिखाएंगे। बस तो आ गई है, ये तो वहीं पे उतर गए भैया जी। ये बस आ गई है और वो तो वहीं उतर गए। तो ये आ गए नाना जी, अभी घर पे जाएंगे, घर पे जाकर मिलेंगे, फिर बताएंगे।